हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आज भी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया की जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं वैकेंसी से संबंधित, जितनी भी वैकेंसी नहीं आती है उन सभी वैकेंसी के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। रोज़ का अपडेट आते हैं, जो कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा RSCIT का जो 16 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था वो हल करके बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना किसी टाइम पास के मैं आपका एक भी मिनट खराब नहीं करूंगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोबाइल वैलेट का उपयोग है रुपयों का आदान प्रदान करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई कोर्सेस कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण है www.ebuy.in। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चार नंबर क्वेश्चन, मो का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? SRDF। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? रोजगार कार्यालय में पंजीकरण। शीर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर उपयोग सभी होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति के अंदर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, बिजली पानी के बिल का पेमेंट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बैंक स्टेटमेंट फॉर्म 16, पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। RICTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+Y, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो 256 करेक्टर का हो सकता है फाइल का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बिना किसी टाइम पास के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। 14 नंबर क्वेश्चन, जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस करेक्टर्स इंटरेस्ट हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड की क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है तो चुने गए टेक्स्ट को पेस्ट करने में। सी का राइट आंसर हो जाएगा। हार्परलिंग के पार से वेब पेज के एड्स, ईमेल एड्स, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या ईमेल, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी। डी का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? तो दोस्तों, ये गलत क्वेश्चन है, इसका आपको बोनस मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी। डी का राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? तो फॉन्ट ग्रुप।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हैं? 7D पाई एरिया और स्टॉक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7D, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेनू को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंस है, तो .pptxc इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेड का एक प्रकार नहीं है? हेंटिंग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा असली सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? सेक्शन 67 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है, तो कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, उपयोग सभी। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शीट प्लस M, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। USB पार्ट का उपयोग निम्न में से किस को जोड़ने के लिए किया जाता है? पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए किया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है, तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है भूकंप का अध्ययन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं एक भी सवाल टाइम पास करके नहीं बता रहा हूँ, फटोफट आंसर आ रहे हैं आपके लिए। जॉयस्टिक एक प्रकार है, इनपुट डिवाइस का प्रकार है जॉयस्टिक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी क्या है? रैम है एक तरह की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? स्क्रीन में नीचे की ओर होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड पेड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न करने भी आपको बोनस मिलेगा, दो क्वेश्चन आ गए हैं आपके बोनस के, इसमें भी बोनस मिलेगा। और लास्ट बार मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो लाइक जरूर कर दें। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफोर्स रिसोर्स लोकेटर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है? वेब कॉलिंग, सर्चिंग, इंडेक्सिंग, उपयोग सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। दोस्तों मैं YouTube चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए मैं YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।